ये दलदल है, ये क्राइम की दुनिया है, बहुत बेकार है। बस जिंदा रहने के लिए लड़ने वाला और कुछ नहीं था, वो समय था, अब वो समय नहीं है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में जाने वाला शख्स वापस जिंदा लौटकर फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर पाता है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने कि 2 दशकों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना परचम फहराया और अब गुनाह की दुनिया को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी जी रहा है। इसने आज के युवाओं को एक सलाह दी है कि भूल कर भी गुनाह की उन गलियों में कदम ना रखना। ये शख्स है पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नाइक। अश्विन नाइक का गिरोह उन 5 गिरोहों में से एक था जिनका कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में दबदबा था, जिनसे लोग खौफ खाते थे और जिनकी कमर तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने एक बड़ी मुहिम चला रखी थी। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अबू सलीम के गिरोहों के अलावा मुंबई शहर में जिस गैंग की तूती बोलती थी वो गैंग था अश्विन नायक का। इन तमाम गैंग के सदस्यों के बीच आपसी गैंग वॉर तो होता ही था, लेकिन इसके साथ साथ जबरन उगाही के लिए भी इनकी ओर से गोलियां चलाई जाती थी, हत्याएं की जाती थी। 90 के दशक में कई कारोबारी, बिल्डर, बार मालिक और फिल्मी दुनिया के लोग अंडरवर्ल्ड की गोलियों के शिकार हुए। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलीम जैसे माफिया विदेश में रहकर अपना गिरोह चलाते थे, लेकिन 2 डॉन ऐसे थे जो भारत में रहकर भी अपने दुश्मनों पर हावी थे। एक गिरोह था अरुण गवली का और दूसरा अश्विन नायक का। गवली एक शिवसेना पार्षद की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, जबकि अश्विन नायक अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से बरी होकर आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद नाइक मीडिया के सामने कभी नहीं आए, लेकिन नवरात्रि के दौरान आर्थर रोड पर देवी के एक मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर हमारी नाइक से बात हुई। नाइक ने युवाओं को आगाह किया कि वे तो गुनाह की दुनिया से बाहर निकल आए हैं, लेकिन वे ऐसी गलती ना करें क्योंकि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ वन वे रास्ता है, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। 90 के दशक में ऐशो आराम की चाह में, पैसों के लालच में और अंडरवर्ल्ड के ग्लैमर से प्रभावित होकर कई युवाओं ने गुनाह का रास्ता अपना लिया था। क्राइम की दुनिया है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार। इसमें अटकोगे तो कभी निकल नहीं पाओगे, चाह के भी निकल नहीं पाओगे तुम। एक तो तुमको सुधरने का कोई चांस नहीं मिलेगा, तुम्हें चांस भी मिलेगा तो भी ऑपोजिशन है, दुश्मन लोग है, ये तो मुश्किल है। दरअसल अश्विन नाइक की पहचान मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक व्हीलचेयर वाले डॉन की रही है। 1992 में मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेशी के दौरान वकील के भेष में आए दुश्मन गवली गिरोह के शूटरों ने उन पर हमला कर दिया। एक गोली नाइक के सिर में लगी, हालांकि नाइक की जान तो बच गई, लेकिन कमर के नीचे लकवा मार जाने के कारण उम्र भर के लिए नाइक व्हीलचेयर के सहारे हो गए। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके नाइक को मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा डॉन माना जाता है। अश्विन नाइक से पहले गिरोह उनका भाई अमर चलाता था, लेकिन 1996 में मुंबई के नागपाड़ा इलाके में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में अमर नाइक की मृत्यु हो गई। उसके बाद गैंग की कमान अश्विन नाइक के हाथ आ लगी। नाइक का कहना है कि अंडरवर्ल्ड में आना उनकी मजबूरी थी, अगर वे अंडरवर्ल्ड में ना उतरते तो गिरोह के दुश्मन उन्हें खत्म कर देते। अब वो समय नहीं है, वो दिन चले गए, अब सुहाने दिन आ गए। ये इन चीज़ों में ध्यान मत देना, ये सब ये दलदल में अटकोगे तो निकलोगे नहीं, ये दलदल है, ये आप इसमें कभी सोचो भी मत। हमने देखा ठीक है, हम निकल गए इसमें से, फ्यूचर आपके हाथ में, कैसे बनाना, कैसे जीना।
बीते 30 सालों में अश्विन नाइक के खिलाफ कई आपराधिक मामले चले, जिनमें पत्नी नीता नाइक की हत्या का भी मामला था। शिवसेना की पार्षद रही नीता की हत्या उनके घर के बाहर ही कर दी गई थी। लेकिन अब अश्विन नाइक तमाम मामलों से बरी हो चुके हैं और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़कर शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उनके मुताबिक पुलिस के लिए अब असली चैलेंज साइबर क्राइम है, अंडरवर्ल्ड का दौर खत्म हो गया है। हमने जो देखा वो और कोई नहीं देखे, वो दिन से दोस्त दीदार गौन ना, अभी वो दिन चले गए, थैंक गॉड, शुक्रिया भगवान का, आगे ऐसे अच्छे दिन सबके लिए आए। बाकी अभी जो साइबर क्राइम है, अभी ये नया टाइप का क्राइम है, ये सब चैलेंज, ये चैलेंज सबके लिए, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए भी। मुंबई में अब गैंगवार नहीं होता और ना ही रोज गोलियां चलती हैं। ज्यादातर गैंगस्टर या तो एनकाउंटर्स में पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं, या जेल में हैं, या फिर विदेश में हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड का वो काला दौर फिर से एक बार वापस ना लौटे, इसलिए अश्विन नाइक की ये सलाह काफी